हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ फंक्शन का यूज़ बताने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक डेटा शीट है। हमने इस डेटा शीट में मार्कशीट बनाया है। मार्कशीट में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट और फुल मार्क्स एंड मार्क्स ऑप्टेंड, उन्होंने कितना मार्क्स लेकर आया। अब हम परसेंटेज, ग्रेड एंड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू प्रेस करना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए। इक्वल टू, उसके बाद हम मार्क्स ऑब्टेंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। डिवाइडेड बाय फाइव, फाइव हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, देन प्रेस इंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है। हम एक बार और करते हैं, इक्वल टू दिस कॉलम डिवाइडेड बाय फाइव, फाइव हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, इंटर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो कॉलम्स को भी हमें इसी तरीके से भरना होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए हैं, मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देती हूँ। अगर आपने एक भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है तो आप बाकी सभी फॉर्मूला इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए। सबसे पहले आपको इन सभी को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। देखें एक बार फिर से, पहले आप सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल प्लस डी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंट्रोल प्लस डी, ये है फॉर्मूला। आपको केवल एक बार मेहनत करना होगा, उसके बाद आप पूरे सेल को सेलेक्ट करें, देन आप प्रेस करें कंट्रोल प्लस डी। तो आई होप आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना आ चुका होगा। अब हम ग्रेड फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, देन आप परसेंटेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा कंडीशन है। जिन लोगों का भी मार्क्स ग्रेटर देन 80 होगा, दैट मीन्स 80%, उन लोगों का ए ग्रेड आएगा। इफ ब्रैकेट जी सिक्स हमारा सेल नेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, दैट मीन्स जिन लोगों का भी परसेंटेज 70 से अवव और इक्वल होगा, उन लोगों के लिए बी ग्रेड है। इफ ब्रैकेट जी सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जिन लोगों का भी परसेंटेज 60 होगा उनके लिए ग्रेड सी है। कॉमा इफ ब्रैकेट जी सिक्स लेस देन 60 डी। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आपने यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट ओपन किए थे उन सभी ब्रैकेट से इसे क्लोज करना होगा। तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स 4 है, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद आप प्रेस करेंगे इंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा डी ग्रेड आया है,
डी ग्रेड इसलिए आया है क्योंकि हमने कंडीशन में रखा था कि जिन लोगों का भी नंबर 60 से बिलो होगा उनके लिए डी है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे परसेंटेज सॉरी आप यहाँ पे फॉर्मूला को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 80% में ए दिया है, आप यहाँ फॉर्मूला को 90 करके ए प्लस भी दे सकते हैं और 75 करके आप उसे बी प्लस भी कर सकते हैं। सो अब हम इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डी। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सारा सेल फिल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ए ग्रेड बी ग्रेड तो है लेकिन सी नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी एक को कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं सॉरी सी। देखिए हमारा सी ग्रेड आ चुका है। तो ये था इफ फंक्शन का यूज़। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्ट का मतलब कितने लोग पास हुए हैं और कितने लोग फेल हुए हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा परसेंटेज का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये फॉर्मूला लिया है कि जिन लोगों का भी परसेंटेज 35 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा सिर्फ वही लोग पास होंगे, अदरवाइज वो फेल होंगे। इंटर। तो जैसा आप देख सकते हैं ये पास है। कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे सभी के सभी पास हैं। हम चाहते हैं कोई एक यहाँ पे फेल हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला शो करवाना है इसलिए। देखिए फेल हो चुके हैं यहाँ पे क्योंकि इनका जो परसेंटेज आया है वो 25 आया। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे रिजल्ट ग्रेड एंड परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।